आराम से हफ्ते में मसरूफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन 12 तारीख से एक बहुत बड़ा फुटबॉल का मेगा इवेंट परेड ग्राउंड जम्मू में शुरू करने जा रही है। ये मेगा इवेंट जो है ये पहले स्टेट चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, लेकिन यूटी बनने के बाद हमने इसका नाम रखा है फुटबॉल चैंपियनशिप। इस फुटबॉल चैंपियनशिप में टोटल 46 टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जेड के 20 डिस्ट्रिक्ट की जो सिलेक्टेड टीमें हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और जो डिपार्टमेंटल फुटबॉल टीमें हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल इस टूर्नामेंट में 1000 से ज़्यादा प्लेयर्स वगैरह जितने भी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें आई लीग फुटबॉल 2 टीमें भी शिरकत कर रही है, रियल कश्मीर और लोन स्टार फुटबॉल टीमें इसमें शिरकत करने जा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि फुटबॉल एक पॉपुलर गेम है, तो जम्मू के जो ऑलरेडी हमारे साथी जो है जो फुटबॉल चलाते हैं उन्होंने फुटबॉल की ग्लोरी के लिए बहुत काम किया है। तो इस साल है जो यहाँ के शायकीन हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस किस्म के ओमेगा इवेंट्स जम्मू में भी होनी चाहिए, और हैविंग रिगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द जम्मू पीपल कि हमने ये डिसाइड कर दिया है कि ये मेगा इवेंट यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे यहाँ फुटबॉल इवेंट्स हम मुनक्कद करने जा रहे हैं। तो इस की ओपनिंग जो 12 तारीख को शुरू होने वाली है, इसमें डॉक्टर ए के मेहता जो IAS फाइनेंशियल कमिश्नर है उसमें वो मेहमान खुसूसी के फराइज अंजाम देने जा रहे हैं, और जो हमारे सरवन हफीज जूस कमिश्नर सेक्रेटरी जूस स्पोर्ट्स और ADGP आर्मड AK चौधरी साहब और DG स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीम रहमान साहब और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कौंसिल डॉक्टर नसीम चौधरी वो इस ओपनिंग सेरेमनी में बहसत मेहमान खसूसी और गेस्ट ऑफ ऑनर के फराइज अंजाम देने जा रहे हैं। तो इसके अलावा इस टूर्नामेंट के बाकी मैच जो है वो साइंस कॉलेज में भी होंगे, और मैं अरविंद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए हमें फंड्स दी है जो 10 लाख रुपये दिए हैं, जबकि इसके लिए ऑलरेडी 24 से 25 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। लेकिन मेरी उनसे दरख्वास्त ये है कि ये एक बड़ी एसोसिएशन है, एक्टिविटीज़ की मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखे उसको ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद ये है कि स्पोर्ट्स कौंसल जो काफ़ी मदद कर रही है कि यहाँ के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, और हमारे एडवाइजर साहब तो जिस तरह उनके बहुत सारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं फुटबॉल डेवलपमेंट के हवाले से हैं, तो मुझे उम्मीद ये है कि इस बार भी वो हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे ताकि हम इस फुटबॉल की जो पास्ट ग्लोरी हो उसको बरकरार रखेंगे और इसको मज़ीद पॉपुलराइज करने में कामयाब हो सकेंगे।